कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के चलते रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहा। केवल आवश्यक कार्य से यात्रा करने वाले लोगों को ही आने जाने की छूट रही। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दूध और सब्जी की दुकानें खुली। बाजार, सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे, जबकि मेडिकल स्टोर खुले रहे। पुलिस ने बेवजह घूम रहे और वाहन दौड़ाने वाले लोगों को रोक कर चालानी कार्रवाई की। इधर रोडवेज बसें नियमित रूप से चली, हालांकि यात्रियों की संख्या कम रही। पुलिस की चालानी कार्रवाई को लेकर टैक्सी और ऑटो चालकों में नाराजगी देखने को मिली। चालकों का कहना था कि वे लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और नई एसओपी के नियमानुसार केवल 50% यात्रियों को ही गाड़ी में बैठा रहे हैं, मगर पुलिस जबरन उनके चालान कर रही है। उनका कहना था ट्रेन और बस से पहुंच रहे यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक ले जाने के लिए वो लोग सेवाएं दे रहे हैं, मगर पुलिस जबरन उनके चालान काट रही है और यात्रियों को गंतव्य स्थल छोड़ने के बाद भी जब गाड़ी खाली वापस ला रहे हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। उधर शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति रही, क्योंकि सरकार द्वारा जारी एसओपी में शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही संबंधित विभाग के पास कोई ऐसे आदेश नहीं पहुंचा, जिसके चलते शहर में अधिकांश दुकानें खुली रहीं, जबकि कुछ शराब संचालकों ने 2 बजे बाद दुकानें बंद कर दी। बहरहाल लॉकडाउन को लेकर संपूर्ण बंदी जैसा कुछ खास नजर नहीं आया। उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप फटाफट से अपने गंतव्य को पहुँचें, और खासकर जो बाहर के जो लोग घूमने आए थे, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर रिटर्निंग बैक, तो जो बाहर निकल रहे हैं उनको जाने भी दिया जा रहा है। और ये जो स्थानीय लोग जो हैं, जो अपना कुछ दवाई लेने जा रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पाया जा रहा है, उसको समझाया भी जा रहा है और उसको सचेत भी किया जा रहा है कि ये बार बार जो है ये रियायत नहीं दी जा सकती है, और इसमें जो है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन के मेजर्स और सख्ती के साथ वापस आएंगे। हाल में लॉकडाउन का ये दूसरा दिन है। कल साप्ताहिक बंदी के कारण इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है वो उसके आदतों में ये सुधार नहीं हो पाया। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम इस समय निकली हुई है। जो दुकानें यदा कदा खुली हुई हैं उनको बंद किया जा रहा है, और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। जो वाहन इस समय चल रहे हैं उसके लिए थाना अधीक्षक को निर्देशित किया कि वो पिकेट लगा के और सख्ती से उनका चालान करें। किसी भी दशा में अनावश्यक घूमने वालों को सड़क पे नहीं घूमने दिया जाएगा। ये जो लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है सरकार द्वारा कोविड 19 को रोकने के लिए, इसका सख्ताई से पालन कराया जा रहा है। जो भी बाज़ार में फालतू बेवजह घूमते मिल रहे हैं उन पर चालान की कार्रवाई की जा रही है, और इसे सख्ताई से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हम यहाँ पर जैसे कि शासन की गाइडलाइन है हमारी, कोई भी गाड़ी जो भी चलेगी कमर्शियल वाहन वो आधी सवारी पर चलेगा। हम उसी शासन के निर्देशों के हिसाब से अपना काम सर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हम जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तो लोकल की जो पुलिस हमारी है वो हमें तुरंत रोक लेती है। यहाँ पर जगह जगह हम रोक करके गाड़ी को चेक करते हैं। उसके बाद हमें बार बार चालान के लिए कभी जैसे किसी के पेपर निकाल लेते हैं या कभी किसी से कुछ मतलब तरह तरीके से परेशान हमें कराया जाता है। अगर हम अपनी रोड पर नहीं चलेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कमाएंगे क्या? इसमें थोड़ा सा लोग प्रशासन को भी हमारा सहयोग देना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने थोड़ा सा जीविका जो है वो कमा पाएँ, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा गाड़ी के अलावा कोई और रोज़गार नहीं है। सर, अभी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है, टैक्सी वाला हो, टेम्पो वाला हो, कोई भी हो, सब उसी तरह से पालन कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन प्रशासन जो है खाली गाड़ी अगर छोड़ के किसी को आ रही है तो उस पर भी चालान कर दे रहे हैं। जैसे सरकार ने आधी सवारी सब में कर दी है, हम उसका पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को छोड़ के आते हैं तो उसमें भी पकड़ ले रहे हैं कि आप यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, तब कि हम सवारी को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ के आने के बाद तो आना ही पड़ेगा हमें खाली। ये इस प्रकार की गिरता आ रही है। हम जो सरकार जो है हमें परेशान ना करे, और जो भी हल्का फुल्का हम सब टैक्सी वाले या कोई भी कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बटोर रहे हैं, मिल जाए कुछ भी मिल जाए, उसमें हमारा प्रशासन साथ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मैं ये काटुदा डिपो से परिचालक हूँ। काटुदा डिपो में गाड़ी नंबर 1697। आज जैसा कि सवारी तो सर बिल्कुल भी आज तो ना के बराबर है। मेरी गाड़ी का टाइम आधा घंटा हमको मिलता है, आधे घंटे तो ऊपर ही हो चुका है, और मुश्किल से 4-5 सवारियाँ गाड़ी में बैठी हुई हैं। अगर लॉकडाउन था तो पहले से ही हमको पता होना चाहिए ना कि लॉकडाउन है, आज सवारियाँ नहीं मिलेंगी तो हमारी गाड़ियाँ नहीं भेजी जाती। मैं अपने गवर्नमेंट 10 डिग्री कॉलेज जसपुर में हूँ इस टाइम, और मैं कॉलेज के काम से आया था नैनीताल यूनिवर्सिटी में, और मेरा अपना पर्सनल काम भी था, तो कल तो था लॉकडाउन पता था, बट आज का मुझे पता नहीं था। तो आज मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, तो इस टाइम कोई बस नहीं है। जैसे मिलती मैं जाता हूँ फ़िलहाल।